बलियापुर गांव में एक स्वर्णी नाम की औरत रहा करती थी। उनके दोनों बेटे शहर में जाकर काम करा करते थे। बड़ी बहू का नाम प्रतिभा और छोटी बहू का नाम सुनैना था। स्वर्णी और प्रतिभा हमेशा सुनैना को तंग किया करती थी, क्योंकि उनके छोटे बेटे ने सुनैना से शादी अपनी पसंद से की थी और सुनैना एक साधारण से परिवार से थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से सास का चश्मा टूट गया। ये क्या कर दिया मैंने, ये तो माँ जी कल ही बनवा कर लाई थी। माँ जी को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगी। क्या करूं? क्या करूं? प्रतिभा बाहर काम कर रही सुनैना के पास गई और कहा, सुनैना सुनो, माँ जी के कमरे से झूठे बर्तन ले आओ। ठीक है दीदी, अभी लाई। सुनैना जैसे ही माँ जी के कमरे में गई तो उसने देखा कि चश्मा नीचे टूटा हुआ है। उसने चश्मा उठाया ही था, तब तक प्रतिभा माँ जी को लेकर वहाँ पहुँच गई। हे भगवान, माँ जी का चश्मा तोड़ दिया। माँ जी कल ही से बनवा कर लाई थी। ये क्या किया तूने सुनैना, कोई काम ध्यान से नहीं करती हो तुम, कितना नुकसान कर दिया। ये क्या कर दिया तूने, जब से आई है नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। एक तो घर से खाली हाथ आ गई और जो अब मेरे घर में बचा है वो भी तोड़ना चाहती है। माँ जी ये मैंने नहीं किया है, प्रतिभा दीदी ने मुझे बर्तन लेने भेजा था, तब मैंने देखा कि चश्मा टूटा हुआ नीचे गिरा है। तू क्या कहना चाहती कि मैंने तोड़ा है? नहीं दीदी, मैं तो माँ जी को बता रही थी कि मैंने नहीं किया। यहाँ प्रतिभा रोने की एक्टिंग करके दिखाती है। हाँ, मेरी किस्मत देखो ना माँ जी, आपने देखा ना आपके सामने मुझे गलत बना रही है। नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। चुप रहो तुम, एक तो नुकसान करती हो ऊपर से झूठ भी। हाँ जाओ मेरे सामने से और दोबारा मत आना जब तक घर का सारा काम ना खत्म हो जाए, समझी? उसके बाद तुम जंगल चली जाना, वहाँ से लकड़ियाँ काट कर ले आना। जंगल चली जाइयो समय से, समझ गई? लेकिन दीदी इन सब कामों को करने में ही शाम हो जाएगी, इतनी जल्दी सब कैसे करूँगी? मुझे क्या पता, माँ जी ने बोल दिया सो बोल दिया, समझ गई? माँ जी प्रतिभा ने क्या कहा समझ नहीं आया? ठीक है माँ जी, जाती हूँ। बेचारी सुनैना उदास मन से वहाँ से चली जाती है। भगवान करे जंगल से वापस ही ना आए, मैं अपने बेटे की किसी अच्छे घर में शादी कर दूंगी और दहेज में बहुत सारे गहने और रुपए भी ले लूंगी। ये सब सुनैना ने सुन लिया। माँ जी मेरे लिए भी एक सोने का हार ले लेना, आखिरकार मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। ठीक है जाओ, अब मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाने को ले आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आई। प्रतिभा वहाँ से चली गई। अब बस इस सुनैना को इस दुनिया से मिटाना होगा। एक बार ये काम हो जाए मैं पंडितों को जी भर के खाना खिलाऊंगी। सुनैना काम करते करते रोने लगी। मैं सब क्या करूं जिससे माँ जी मेरे बारे में ये सब सोचना बंद कर दें। हे भगवान मुझ पे अपनी कृपा करो, मैं ये सब और ज्यादा नहीं सह पाऊंगी। सारा काम करने के बाद सुनैना अपने साथ खाने के लिए चार रोटी और थोड़ी सब्जी बांध के जंगल ले गया। सुनैना जंगल में लकड़ी काटने लगती है। उसने लकड़ी का एक गट्ठा बनाया और छांव में बैठ गई। तब उसके थैले से रोटी का डिब्बा नीचे गिर गया। अरे मैं तो खाना ही भूल गई, लोग काम भूल जाते हैं और मैं उनके खाना ही भूल गई। क्या करूं अपना, अब बस जल्दी घर चली जाती हूँ। इसे खाऊं या नहीं, ऐसा करती हूँ खा ही लेती हूँ, वैसे भी दिन से कुछ खाया नहीं, फिर रात का खाना भी तो बनाना पड़ेगा। वह खाना खाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक बकरी उसके सामने आकर बैठ जाती है। तुझे भूख लगी है, आजा तू भी खा ले। वह एक रोटी बकरी को दे देती है। बकरी फिर भी नहीं जाती, इस बार वो एक और रोटी देती है और इस बार बकरी चली जाती है। लगता है इसके नसीब में रोटी खाना लिखा था, चलो इस बेजुबान के पेट में भी कुछ गया। इसके बाद वो थोड़ा पानी पीती है। तब तक वहाँ से एक बूढ़ी औरत बहुत सारा सामान लेकर गुजर रही होती है। माँ जी आप इस जंगल में,
अपने गांव जा रही हूँ बेटी, ये रास्ता जल्दी पहुँचा देता है, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। औरत बहुत बूढ़ी थी, सुनैना को उस पर दया आ गई। अम्मा बैठो, मेरे पास दो रोटी हैं, आप इन्हें खा लो। वैसे भी मुझे तो घर जाना है, इसलिए इन्हें खाने का तो समय नहीं है मेरे पास। आप मुझे थकी हुई लगती हो, आप इन्हें खा लो। अम्मा बैठ गई और हैरानी से सुनैना की तरफ देखने लगी। इस जंगल में लगता है भगवान ने तुझे भेजा है मेरे लिए। ला बेटी ला, जोरों की भूख लगी है मुझे, बहुत बुरा हाल है। खुश रहे तू बेटी। सुनैना ने रोटी सब्जी अम्मा को दे दी और अम्मा ने बड़े चाव से रोटी सब्जी खा ली। बेटी एक बात ध्यान से सुन, तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो बस अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना। उसके बाद सामने मुसीबत पर लाल कपड़ा और अगरबत्ती जलाकर हाथ जोड़ लेना, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद अम्मा, बड़ों की कृपा से ही घर परिवार फलता फूलता है। कभी बलियापुर गांव में आना होगा तो किसी से भी पूछ लेना मेरी माँ जी का नाम, उनका नाम स्वर्णी देवी है, तो आपको बता देंगे मेरे घर का पता। कभी आना हो तो हमसे मिलने जरूर आना। जरूर बेटा, कभी मौका मिले तो जरूर आऊंगी। अब बेटी तू जल्दी घर जा, ये जंगल तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। ठीक है अम्मा, आप भी जल्दी चली जाओ। और हाँ बेटी, कभी भी डर लगे तो अपने पूर्वजों को याद करना, पितृ हमेशा अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। जी अम्मा। सुनैना घर पहुंचती है, उसके बाद रात के लिए खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाकर सबको खिलाया और उसके बाद सब सो गए। अचानक पूरा घर हिलने लग गया। अचानक के कमरे से बहुत तेज आवाजें आने लगी, सब लोग डर गए। कुछ देर बाद सब एकदम से शांत हो गया। माँ जी, ये क्या था, ये कैसी आवाज थी? रुक, मैं देखती हूँ। सुनैना जा, तू देख क्या है वहाँ। माँ जी मुझे डर लग रहा है। जाती है या नहीं? इसके बाद सुनैना कमरे में देखने चलेगी। वहाँ कोई नहीं था। माँ जी, यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी भयंकर आवाज भला किसकी हो सकती है? माँ जी, लगता है कोई जानवर खिड़की से घुस गया होगा। मैं कहती थी ना, वहाँ जालियां लगा लो। चलो अब जाओ, सब सो जाओ। अगले दिन सुनैना, सुन वो कपड़े रखे हैं, धो देना सारे, और घर के सारी चादरें भी धोनी है, और हाँ पर्दे भी, समझ गई? जी माँ जी। तब तक वहाँ उनकी पड़ोसी शारदा आ गई। प्रणाम अम्मा, कैसी हो आप? आओ आओ बेटी, तुम कैसी हो? हमारा तो जैसे तैसे वक्त निकल रहा है। मैं ठीक हूँ माँ जी, आपसे वो शहद लेने के लिए आई हूँ, कुछ दिन पहले आपसे मंगवाया था ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, क्या करूँ बेटी, उम्र हो गई है, रुक लाती हूँ। माँ जी जैसे ही अंदर गई, शारदा तुरंत सुनैना के पास जाकर बोली, सुनैना तो दुखी नहीं होती इस बुढ़िया के ऐसे बर्ताव से? जीना मुश्किल किया हुआ है तेरा इसने। कहती हूँ तो अपने मायके वालों को बता देना। नहीं बहन, मेरे माता पिता गरीब हैं, उन्हें मैं और पीड़ा नहीं दे सकती, मुझे परेशान देख वो और दुखी हो जाएंगे। तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है, तू अपना ध्यान रख। तुम मेरी चिंता मत करो, वो जैसी भी है मेरी सास है, गुस्सा करती है पर दिल की अच्छी है। तू बहुत भोली है रे, मैं तो तेरे लिए बस प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि एक दिन तेरा जीवन भी सुधर जाए, तो परेशान मत होना। हाँ, ये सब मेरा परिवार है और परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। तब तक अचानक माँ जी आ गई। ले शारदा अपना शहद। धन्यवाद अम्मा, अच्छा मैं चलती हूँ। उसने सुनैना की तरफ देखा और चली गई। सुनैना ने अपना सारा काम किया, पहले कपड़े, घर की सफाई, आंगन की सफाई। रात के समय
अरे ओ सुनैना, खाना बनाया नहीं? बन गया माँ जी, अब हाथ धो लीजिए, अभी लगाती हूँ। रख जल्दी, भूख लगी है मुझे बहुत। अभी रखती हूँ माँ जी। छी छी, कैसा खाना बनाती है तू? ऐसा खाना तो जानवर भी ना खाए। माँ जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सास और प्रतिभा ने सारा खाना खा लिया और जानबूझ के बाकी रोटियां और सब्जी छुपा दी। और ला रोटी। माँ जी रोटियां तो खत्म हो गई हैं। इस घर में तो पेट भर के खाना भी नहीं मिलता। चीना तू भर हो गया है, जा बर्तन ले जा। माँ जी ने प्रतिभा को वो खाना दिया। प्रतिभा ने तुरंत वो खाना गाय को खिला दिया और वापस वहाँ बैठ गई। चलिए माँ जी, कल शादी में भी जाना है, सो जाते हैं। सबने खाना खाया, किसी ने सुनैना को खाने के लिए नहीं पूछा। फिर सुनैना ने बर्तन धोए। आधी रात को अचानक आवाज आने लगी। सब बाहर आ गए। माँ जी फिर से वही आवाज। ये आवाज तो कल से भी ज्यादा है। माँ जी इस सुनैना को वहाँ भेज देते हैं, आप कमरा बंद कर देना। अगर वहाँ कोई जानवर होगा तो इसे खा जाएगा। सुनैना जाके देख कौन है वहाँ। नहीं नहीं माँ जी, मुझे डर लग रहा है। जाती है या मारूं? सुनैना जैसे ही कमरे में गई, प्रतिभा ने दरवाजा बंद कर दिया। माँ जी दरवाजा खोलिए, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है माँ जी, मुझे डर लग रहा है। ये सब मेरी बेटे की जिंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था, अब भुगत। दोनों हंसने लगी। माँ जी यहाँ सांप है, सांप, सांप। सुनैना जो कि कोने में छुप गई, सुनैना को अचानक अम्मा की बात याद आई। बेटी एक बात ध्यान से सुन, तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो बस अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना। सुनैना ने तुरंत अपने पूर्वजों को याद किया। हे पितरों मेरी रक्षा करो, कोई तो उपाय दो ताकि मैं इस मुसीबत से बच पाऊँ। अचानक वहाँ पे लाल कपड़ा और धूप बत्ती आ गई। सुनैना को बूढ़ी अम्मा की बात याद आ गई। सुनैना ने तुरंत डरते डरते उसके पास गई और धीरे से उसके ऊपर लाल कपड़ा डाला और धूप बत्ती जलाने लग गई और भगवान का नाम जपने लगी। हे ईश्वर मेरी रक्षा करो मेरी। माँ जी चलिए लगता है वो मर गई, जानवर उसे अभी तक तो खा भी चुका होगा। कल इस कमरे को खोलेंगे। ठीक है, भगवान करे इस बार ये मुसीबत टल जाए। अगले दिन प्रतिभा ने वह कमरा खोला। सुनैना एक जगह पे लेटी हुई थी। प्रतिभा चिल्लाई, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? माँ जी जैसे ही कमरे में आई उन्होंने देखा कि चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ है। हमारी तो किस्मत ही खुल गई प्रतिभा। माँ जी एक साथ दो मुसीबत टल गई, पहली वो मुसीबत और दूसरी गरीबी। आज से हम ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। माँ जी देखे ना इतना सारा सोना, इससे तो हमारी कई पीढ़ियां मजे से अपना जीवन बिता सकेंगी। प्रतिभा जैसे ही सोने का एक गहना उठाती है। कितना सुंदर है ना माँ जी, मेरे गले में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक कहा ना मैंने? तब तक अचानक प्रतिभा को जोर से करंट लगने लगता है और माँ जी को सांप पकड़ लेता है। माँ जी चिल्लाने लगती है, चिल्लाने की वजह से सुनैना उठ जाती है। उसी समय अम्मा वहाँ प्रकट हो जाती है। ये सब केवल सुनैना का है, इस खजाने में किसी ने भी बुरी नजर डाली तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। प्रतिभा ने वह हार फेंक दिया। अम्मा माँ जी और प्रतिभा दीदी को छोड़ दो आप। नहीं बेटी ये सब तुझे जीने नहीं देंगे, मेरे होते हुए तुझे कोई तंग नहीं कर सकता। अम्मा आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपा छोड़ दो ना इन्हें। ठीक है। दोनों बच जाती हैं। माँ जी आप ठीक तो हो ना? प्रतिभा दीदी आप ठीक तो हो ना? अम्मा मेरी बात का मान रखने के लिए धन्यवाद। ये सब तेरा है सुनैना। अम्मा ये सब मेरा कैसे हुआ, मुझे आप ये सब क्यों दे रही हो? बेटा ये तेरा ही था हमेशा से, एक जमाने में तेरे पूर्वजों ने इस खजाने को छुपाया था दुश्मनों से। वो चाहते थे कि ये सब उनके किसी वारिस को मिले जो ईमानदार और नेक हो ताकि सबका भला हो सके। वो चाहते थे कि दुश्मन इसका गलत इस्तेमाल न कर पाए, इसलिए उन्होंने इस खजाने की पूजा कराई। इसके बाद ये खजाना सर्प में बदल गया और तब से वो तुम्हारे वंश के सही उत्तराधिकारी की खोज कर रहा था। तुमने जिस बकरी को रोटी खिलाई वो असल में सर्प था जो वेश बदल कर तुम्हारे सामने बकरी बनकर आया था।
ये जानने के लिए कि तुम वही सही उत्तराधिकारी हो कि नहीं। बेटी तो बहुत भोली है, सब याद रखना, ये खजाना सिर्फ तुम्हारा है। ये कोई मामूली खजाना नहीं है, मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया खजाना है। याद रखना, इस खजाने की सुरक्षा स्वयं सर्पदेव करते हैं, इसलिए सुनैना तुम इसके खो जाने की चिंता मत करना, ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारा कल्याण हो। माँ जी, ये सब आपका है, इसका जो कुछ भी करना है वो आपकी मर्जी से ही होगा। बेटा, मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा किया, तू चाहती तो इतना सारा धन पाके हमें घर से बाहर निकाल सकती थी, पर तू ये सब मुझे दे रही है, क्यों सुनैना? माँ जी, मैं हमेशा चुप रहती थी ताकि एक दिन आप मेरे प्यार को समझ सको। देखो ना, आज आपको मेरा इस परिवार के प्रति प्रेम समझ आ गया, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा मारना चाहा, लेकिन आज तुमने मुझे बचाकर मेरी नजरों में अपनी इज्जत और भी बढ़ा दी है। आज से मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन बन के रहूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सुनैना, इसकी हकदार सिर्फ तू है, ये जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी होगी, तेरे पूर्वजों का भरोसा है तू, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझ और वही कर जो सही है। जी माँ जी, मैं आपकी बात का मान रखूंगी। इसके बाद सुनैना का परिवार बहुत अमीर हो गया और सुनैना दान पुण्य करने लगी।